कौन सी हैं गुड मॉर्निंग वामाक्षी और मानसी तो सबसे पहले जो हम लोग हमारा राजा बैटरीज पे फोकस करेंगे और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने मिल रही है कि जो कंपनी है एक टाइप से प्लास्टिक कंपोनेंट्स के बिजनेस है वो डिमर्ज करने वाली है प्रमोटर एटेंटिटी और वो बिजनेस जो है अब आप कह सकते हैं कंपनी में आने वाली अब अब शेयर्स की भी बता देते रेशियो यहां पे हमारा राजा जो है अपने प्रमोटर को पैंसठ इक्विटी शेयर्स जो है अपनी कंपनी के ऑफर करेंगे जहां पे वो 74 शेयर्स को होल्ड करके रखे हैं ये एक्विजिशन अगर देखा जाए ब्रॉडली तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए है और प्रमोटर टेक इसमें बढ़ोतरी होगी चार परसेंट की और हमारा राजा जो है लगभग 1.2 करोड़ शेयर इशू करेंगे 592 हंड्रेड करोड़ रुपीज़ के लिए एक्विजेशन की बात करें तो 2.4 टाइम्स का पी वैलुएशन एफ आई ट्वेंटी अर्निंग्स के ऊपर जो है वैलुएशन देखने मिले हैं और थोड़ी सी डायलूशन हो सकती है स्टेक पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए लगभग पाँच के लिए और एक्विजिशन कंप्लीट होगा अगले बारह से लेकर चौदह महीने में अब डील्स की बात करें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी जो है फोकस में रहेगा और यहाँ पे कंपनी ने जो है रिविगो जो एक यूनिकॉर्न है उसकी जो बी टू बी एक्सप्रेस बिजनेस है उसको 225 करोड़ रुपीस में ली है बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक टाइप से कह सकते हैं स्लम्प सेल हुआ है मतलब कह सकते कि बहुत कम दाम में जो है बड़े एसेट्स बिके हैं कंपनी के ब्रांड बिके हैं जो बी टू बी एक्सप्रेस बिजनेस के लिए हैं ऑफकोर्स ये डील बहुत वैल्यू एक्रेटिव होगा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के लिए और ये एक्विजिशन जो है एक्सपेक्टेड है कि नवंबर वन के पहले जो है कंप्लीट हो जाए अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो वैल्यूशन थी रिव्यू की जो लास्ट टाइम फंड रेजिंग हुई थी वो लगभग एक बिलियन डॉलर की थी और पिछले महीने जो है रिपोर्ट्स आ रही थी कि आइधर आपके फर्स्ट क्राई या फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप जो है इन्हें एक्वायर करें और इनको ऑफकोर्स इस स्टार्टअप को जो है फ्रेश फंड रेजिंग में इशू ज़रूर हो रही थी लॉकडाउन के कारण तो एक टाइप से कह सकते एक बहुत स्ट्रॉग एक्विजिशन आई है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के लिए आरती इंडस्ट्रीज़ का कल ए था यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू एबिडा पैड की जो ग्रोथ है विद साल 2024 तक 1.7 टाइम्स से 2 टाइम्स बढ़ सकती है और विद साल अगर दो दो हज़ार बताए तो वो लगभग 2.5 टाइम्स टू 4 टाइम्स हो सकती है एबिडा मार्जिन विद साल 2023 के लिए लगभग 25 से 30 परसेंट का रखा है कैपेक्स बोले तो केमिकल्स के लिए 2500 से 3000 करोड़ है और फार्मा के लिए साढ़े तीन से 500 करोड़ है और फोकस भी रहेगी कि नई केमिस्ट्रीज और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में स्टेलाइट टेक में भी लगभग कह सकते हैं कि वो आपका डाइवेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो वो इम्पैक्ट डाटा सोलूशन एक यूके की कंपनी है उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 2019 में लगभग 12 मिलियन पाउंड की तो अब जो है वो अब लगभग 80 परसेंट स्टेक जो है बेचने वाले हैं लगभग 10 मिलियन पाउंड के लिए और एडिशनल जो है बेचेंगे कंसड्रेशन आ सकती है सात मिलियन पाउंड का मतलब टोटल देखा जाए तो एक चीज़ उन्होंने बारह मिलियन पाउंड में कर दी और अब जो है वो लगभग आप कह सकते हैं सत्रह मिलियन पाउंड में बेच रहे तो एक टाइप से पाँच मिलियन पाउंड का ओवरऑल अगले दो से तीन साल में ये गेंस रियलाइज़ होगा अब मास्टेक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है बलडी ला रहे है और हालांकि रिसेंटली जो है स्टॉक इस न्यूज़ इसलिए में है क्योंकि जो आपके पाउंड है अगर भारत के जो रूपी के साथ कंपेयर करें तो वो तीन साल की वीकनेस लेवल्स पे आ गई हैं और मास्टिक का बिजनेस का 68 परसेंट रेवेन्यू यूके से आता है तो यहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग लग साढ़े पाँच लाख शेयर्स की खरीदारी की है तो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा फिलाटेक्स इंडिया भी फोकस में रहेगा यहाँ पे उन्होंने कमिश्न की है डी बॉटलिंग नेक प्लांट की और अब जो है उनकी कैपेसिटी जो है 50 मिलियन टन पर डे और मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है 120 मिलियन पर डे शुरू होगी दहेज प्लांट से और ब्लैक ब्लैक स्टोन भी फोकस में रहेगा एम्बेसी आर पार्क्स में लगभग सेवन यूनिट्स शेयर्स उसको नहीं कहेंगे जो आर होती है उन्हें यूनिट्स कहते हैं तो उनको ऑलमोस्ट 7.7 करोड़ यूनिट्स की आज ब्लॉक डील होगी फ्लोपलाइ

कारोबार को खरीदने के यहाँ पर बातचीत चल रही है टू ट्वेंटी फाइव करोड़ की यहाँ पर एक डील होने जा रही है हमारा जो बैटरीज पर न्यूज फ्लो है आरती इंडस्ट्रीज के एजीएम के टेकअवेज पर फोकस करना होगा स्टरलाइट टैक टैक, टैक मैस्टिक और साथ ही फिलेटिक्स इंडिया और एमबेसी रीड जो कि लगातार दो सेशन से फोकस में हैं लेकिन आइए आगे बट